शंकर विद्यापीठ आबू पर्वत कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अर्थ अलंकार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अर्थ अलंकारों के अंतर्गत पहला अलंकार है उपमा अलंकार, यानी जहां पर किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए और तुलना का आधार क्या होता है, समानता। जैसा कि कह सकते हैं जहां समान गुणधर्म के कारण समानता बताई जाती है, यानी जहां समान गुणधर्म, गुणधर्म से तात्पर्य विशेषता, उससे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इस प्रकार उपमा अलंकार के अंतर्गत चार अंग होंगे। पहला उपमेय, यानी कोई भी प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है, यानी जिसकी समानता की जा रही है। दूसरा क्या होगा, उपमान। उपमान का मतलब जिससे हम तुलना कर रहे हैं, यानी इसको उपमेय को हम कह सकते हैं प्रस्तुत, उपमान को कह सकते हैं अप्रस्तुत। साधारण धर्म, यानी किसी गुण के आधार पर जो समानता की जाती है उसे हम साधारण धर्म के नाम से जानते हैं, और साथ ही उस गुण को बताने वाला कोई शब्द होता है, यानी समानता को समानता शब्द का अर्थ व्यक्त करने वाला कोई शब्द होता है, उसे हम वाचक शब्द के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम यदि कहें कि यदि हमें उपमा अलंकार की पहचान करनी हो तो ये जो वाचक शब्द दिए हुए हैं उस काव्य पंक्ति के अंतर्गत यदि इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वहां पर प्राय उपमा अलंकार ही होगा। जैसे सी सा सी एवो भांति समान जैसे ज्यों सरिस सरीखी सदृश आदि। उदाहरण के लिए सीता मुख चंद्र सम सुंदर, यानी सीता जी का जो मुख है ये क्या है, ये उपमेय है और इसकी तुलना किससे की गई है, चंद्र यानी चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता का मुख उपमेय हुआ, चंद्रमा उपमान हुआ, सम यहां पर वाचक शब्द हुआ, और ये जो समानता की गई है इसका मूल आधार क्या है, यानी गुणधर्म क्या है, वो है सुंदरता। यानी सुंदरता के आधार पर ही समानता की गई है, इसलिए ये है पूर्ण उपमा का अलंकार का उदाहरण है। कई बार किसी किसी उदाहरण में ये चारों चीजें मिलती हैं, लेकिन जिस उपमा अलंकार के अंतर्गत इनमें से जब कोई एक लुप्त होता है वहां पर उसको हम लुप्त अलंकार के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी प्रस्तुत पर अप्रस्तुत, यानी उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है, यानी ये कुछ मिलता हुआ तो लगता है, लेकिन यहां जहां उपमान उपमा अलंकार में हम जहां समानता बताते हैं, यहां पर समानता में केवल अंतर इतना है कि यहां पर समानता की थोड़ी संभावना व्यक्त की जाती है। जहां पर संभावना का भाव व्यक्त होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इस संभावना को बताने वाले काव्य पंक्ति में प्राय ये शब्द होते हैं, यानी इन्हें हम पहचान शब्द भी कह सकते हैं, जिनसे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। जैसे मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु जैसे आदि। उदाहरण के लिए जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग काट गया, यानी एक दृष्टि से देखें तो ये उपमा से मिलता हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में वहां स्पष्ट रूप से समानता बताई जाती है, लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर हम केवल उस चीज की होने की समानता का एहसास करते हैं। जैसे यहां पर बता रहा है सिर फट गया, और फटा हुआ सिर कैसा लग रहा है, मानो लाल रंग का भरा हो। तीसरा अलंकार रूपक अलंकार, इससे अलंकार के अंतर्गत प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी
उपमेय और उपमान में अत्यधिक घनिष्ठता होने के कारण रूपक अलंकार होता है। यानी यहां पर जो उपमेय और उपमान है यानी जो प्रस्तुत और अप्रस्तुत है उनके जो विशेषताएं होती हैं वो इतनी मिलती हुई होती हैं, यानी उन दोनों को इतना घनिष्ठ दृष्टि से देखा जाता है लगता है माना उनमें कोई अंतर है ही नहीं। ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। जैसे पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मीराबाई कहती हैं मैंने राम रूपी रत्न यानी धन खजाना प्राप्त कर लिया है। तो यहां पर राम रतन रूपी जो धन है यहां पर क्या हुआ, रूपक अलंकार हुआ, जहां पर दोनों में अत्यधिक उपमेय उपमान के अंतर्गत अत्यधिक गुणों की समानता पाई जाती है। जहां पर उपमेय उपमान में अभेद संबंध स्थापित हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। फिर चौथा अतिशयोक्ति अलंकार। शब्द का खंड करने पर पता लगता है अतिशय माने बड़ा चढ़ाकर उक्ति लाने कहा गया, इसका मतलब यह हुआ जहां प्रस्तुत या अप्रस्तुत, प्रस्तुत अप्रस्तुत नहीं केवल प्रस्तुत, जहां पर प्रस्तुत या प्रस्तुत को हम कह सकते हैं उपमेय, उसका वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है यानी उसके बारे में जितना होता है उससे कई गुना बड़ा चढ़ाकर जब हम बताते हैं तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय यानी अतिशहर यानी किसी चीज का अतिशय करना बहुत कुछ ज्यादा, और उक्ति यानी कहना। तो ये दो शब्दों से जब शब्द मिलकर बना है तो इनके साथ से ही ये अलंकार अपनी परिभाषा स्पष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। जब महाराणा प्रताप ने देखा कि रास्ते में नदी है चेतक घोड़ा कैसे इसको पार करेगा, तब तक चेतक घोड़ा नदी के यानी उस नाले के दूसरे पार पहुंच चुका था। जबकि व्यावहारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। हाँ यहाँ पर ये तो संकेत करता है कि घोड़ा बहुत तीव्र गति से नाले को पार कर गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इधर सोचा और उधर पहुंच गया। तो जहां पर किसी विषय को महत्व देने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी जहां पर मानव जैसी क्रियाओं की कल्पना की जाए। अब मानव जैसी क्रियाएं मानव करे तो आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन जब अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में प्रकृति के अन्य स्थानों पर मनुष्य जैसी क्रियाओं की कवि जब कल्पना करता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मेघ आए बड़े वन ठन के समय के, या मेघ यानी बादल, बादल बहुत सज धज कर आ रहे हैं। सज धज कर आने का कार्य मनुष्य का होता है। प्रकृति इस प्रकार से मानवीय क्रियाएं नहीं करती, लेकिन उसके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कवि कहता है कि मेघ बड़े ही सज धज के आ रहे हैं। तो ये यहां पर मानवीयकरण अलंकार का उदाहरण होगा, मानवीकरण। धन्यवाद।